हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सबकी फेवरेट मटका कुल्फ़ी की बहुत ही इजी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, ये दो चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ताज़ा गाढ़ा दूध। जी हाँ, हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। आप यहाँ पर पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डेयरी वाला खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारा दूध गाढ़ा होना चाहिए, प्लस ये फ्रेश होना चाहिए, गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 लीटर भैंस का दूध लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू बॉयल होने देंगे। ये देखिए, जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा इसके ऊपर इस तरह से मलाई आती जाएगी। हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमें दूध को पकाते जाना है जब तक कि हमारा दूध 1/3 नहीं रह जाता। ये देखिए, जैसे जैसे हमारा दूध बॉयल होता जा रहा है इसके ऊपर इस तरह की इतनी मोटी मलाई आती जा रही है। हमारा दूध जो है 1 लीटर से 350 ग्राम तक लगभग हो जाना चाहिए, तब तक हमें दूध को पकाना है। ये देखिए, हमारा दूध बहुत कम हो गया है क्वांटिटी में। इस टाइम पर मैंने इसमें डाला है 1 इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही इलायची का पाउडर डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 लीटर दूध के लिए 1 इलायची का पाउडर इनफ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बड़ी इलायची थी, इसके अंदर दाने ज़्यादा थे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये शुगर। शुगर मैंने यहाँ पर आधी कटोरी ली है, ये लगभग 6 से 7 चम्मच है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे हम सूखे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये 1 चम्मच फुल भर के डाला है मैंने। आप शुगर इस टाइम पर टेस्ट भी कर सकते हैं, आप मीठा या फीका जैसा भी खाना चाहे, लेकिन कुल्फ़ी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है, इस बात का ध्यान रहें। अब 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा दूध लगभग 350 से 400 ग्राम इतना ही रह गया है। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ये पहले से कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से ठंडा भी करेंगे। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि ये पहले से भी और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखिए, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है पहले से। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारा दूध बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये पहले से और भी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा लग रहा है हमारा दूध। बस अब ये बिल्कुल रेडी है मोल्ड में भरने के लिए, मोल्ड में डालने के लिए। मेरे यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक का मोल्ड है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम का मोल्ड हो आइसक्रीम का तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मटका कुल्फी को ग्लास में भी जमा सकते हैं, स्टील की ग्लास में। अब हम थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्सचर इन मोल्ड्स में डाल देंगे। हमें मोल्ड्स को पूरा नहीं भरना है, हमें इसके ऊपर स्टिक लगानी होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खाली रखेंगे। अगर आप ग्लास के अंदर कुल्फी जमाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाना होगा, फिर उसके अंदर आप स्टिक डाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का कोई मोल्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पर 4 कुल्फी मोल्ड भर दिए हैं। मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की कटोरी जो होती है डिस्पोजल वाली, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर डाल रही हूँ। एक आइसक्रीम में उसके अंदर जमाऊँगी, बाकी सब कुल्फी मोल्ड में ही जमाऊँगी। 1 लीटर दूध से 5 मटका कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। 5 मटका कुल्फी प्लस एक आइसक्रीम वाली कटोरी। अगर आप सारी मटका कुल्फी जमाना चाहते हैं तो आपकी 1 लीटर दूध से 6 मटका कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। अब कटोरी के ऊपर हम इस तरह से फॉइल पेपर लगा देंगे। हमें फॉइल पेपर से कटोरी को अच्छे से कवर करना है। फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे, इससे कि हमारा फॉइल पेपर इधर उधर नहीं जाएगा। उसके बाद हम इसे डीप फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए। अब हम जल्दी से कुल्फी मोल्ड के ऊपर ये प्लास्टिक की लगा देंगे। मेरे प्लास्टिक मोल्ड के साथ ही ये स्टिक्स आई हैं प्लास्टिक की। अगर आपके मोल्ड के साथ नहीं आई हो तो आप
मोल्ड को अच्छे से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर ले, उसके ऊपर फिर आप नाइफ से हल्का सा छेद करें और लकड़ी की जो स्टिक आती है वो इसके सेंटर में लगा दें। अगर आपके मोल्ड के साथ स्टिक्स नहीं आई हो तो मेरे पास जो कुल्फी मोल्ड है उसके साथ सारी चीज़ें आई है, इसलिए मुझे अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे रात भर के लिए डीप फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम अगले दिन देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कितने अच्छे से सेट हुई है। सबसे पहले हम इस कटोरी वाली आइसक्रीम को ही खोलेंगे। फॉइल पेपर को आहिस्ता से हमें हटाना है। वाओ, आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितने अच्छे से सेट हुई है। अब हम कुल्फी मोल्ड से भी कुल्फियों को निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर कुल्फी मोल्ड को मुश्किल से 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे, इससे कि हमारी कुल्फी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। वाओ, आप देख सकते हैं हमारी कुल्फी कितनी शानदार बनी है, कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी डाला है, उससे इसका टेस्ट और भी दुगुना हो गया है। अब आपकी ज़बरदस्त मटका कुल्फी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये कुल्फी बाज़ार की कुल्फी को भी फेल कर देगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। पर्सनली मुझे ये कुल्फ़ी बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी हो जाती है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं आपको एक कुल्फ़ी खाकर भी बताती हूँ। देखिए ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी अच्छी लग रही है। मेरी इसी तरह की और रेसिपीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।